बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद सफदर। आज की इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स मैथ 113 जो कि सिविल से रिलेटेड है, फर्स्ट ईयर की मैथ है, इसका चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 9 जो है पेपर बी में आता है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो ये यहाँ से कम 20 से 22 नंबर का पेपर बनता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसके हम जो है ना, जो कि रिड्यूस कोर्स में है, DAE मैथमेटिक्स जो रिड्यूस कोर्स है, उसके मुताबिक से सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक्सरसाइज 9.1 इंक्लूड है, 9.2 नहीं है इंक्लूड, और फिर 9.3 इंक्लूड है। तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, ये है अ सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है, नंबर्स का ऐसा सेट अरेंज इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन, जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन में हो, ये इसे एरे भी कहते हैं, ठीक है, और टेबल इनक्लोज बाई अ स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या क्या इनक्लोज किया हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है मैट्रिक्स की सिंपल सी। तो जैसे ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें जो ये पास इंट्रीज ये एलिमेंट्स हैं 1, 2, 4, 1। ये बी मैट्रिक्स है, इसमें इंट्रीज क्या हैं 1, 2, 3, 6, 7, 8। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये अपना मैट्रिक्स के अंदर जो पास इंट्रीज होती हैं, इन्हें एलिमेंट्स इंट्रीज कहते हैं। मैट्रिक्स आर यूजली डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स, मैट्रिक्स को हम डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर ए बी सी यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें स्मॉल लेटर्स ए बी सी से भी हम डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल लेटर से। अब इसके बाद जो सेकंड डेफिनेशन है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज एज फर्स्ट कंपोनेंट एंड नंबर ऑफ कॉलम एज सेकंड कंपोनेंट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। जो आपके पास नंबर ऑफ रोज हैं, एक मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। आप देखें, जैसे यहाँ इफ देर आर 3 रोज, अगर 3 हमारे पास रोज हों, कतारें हों 3, ठीक है, एंड 2 कॉलम्स, और 2 हमारे पास क्या हों, कॉलम हों इन अ मैट्रिक्स, देन इट्स ऑर्डर इज रिटन एज 3 बाई 2, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 2 लिखते हैं इस तरह, जैसे 3 क्रॉस 2 या 3 बाई 2 पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल है। इसमें देखें, हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है, ये उसमें रो 1 है, ठीक है, और ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम क्या है, 2 है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 बाई 2 होगा, ठीक है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों में सेम है, तो ऑर्डर इसका क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे बात करें बी मैट्रिक्स, तो इसमें ये रो 1 है, ये रो 2 है, और ये आपके पास क्या है, रो 3 है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। इस तरह ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, और ये आपके पास क्या है, कॉलम 3। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बी है, उसका ऑर्डर होगा 3 बाई 3 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ये इसका ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल रो हो, अ मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर भी इसे कहते हैं, ठीक है, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। जिसमें एक ही रो हो उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स, जबकि अ मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम हो उसे क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। वो वाला मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स, और वो अकबस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम उसे क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर कहते हैं। इसके बाद आपके पास है स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखें, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन हो, उसकी नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो है वो सेम हो, उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हमारे पास ये है, इसमें देखें ये रो 1 है, ये रो 2 है, तो और कॉलम 1 है, कॉलम क्या है, 2, इसका ऑर्डर क्या है, 2 बाई 2 है, तो इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरह से ये रो 1, ये रो 2 और ये रो 3, तो ये अगर 3, इस तरह ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो इसका भी 3 आ जाएगा। तो देखें, ये दोनों जो है आपके पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है आपस में इक्वल हों, उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर आपके पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो अ मैट्रिक्स ए हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब अगर एक मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और कॉलम दोनों डिफरेंट हैं, सेम नहीं है,
तो उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे आपके पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें देखें दो रोज हैं यहाँ पे, तो इसका ऑर्डर होगा 2 बाई, और यहाँ पे देखें तो कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, तो 2 बाई 3 इसका जो ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स का 2 बाई 3 ऑर्डर है। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट है, इसलिए इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेम यहाँ देखें, इसमें 3 रोज हैं, ये 3 आ जाएगा, और कॉलम क्या है इसमें 2 है, तो ये 2 आ जाएगा, 3 बाई 2 इसका मैट्रिक्स। तो यहाँ देखें इनका ऑर्डर सेम नहीं है, तो हमारे पास ये भी क्या आपके पास होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, पेपर में अक्सर आती है इसकी डेफिनेशन, डायगनल मैट्रिक्स। सबसे पहले देखें, मैं बात करूँ डायगनल, तो डायगनल क्या होता है, यहाँ अगर मैं इसकी बात करूँ तो हमारे पास ये जो 172 है इसे हम कहते हैं डायगनल, या 379 जो है इसे कहते हैं डायगनल। तो जो 172 है ये आपके पास होता है मेन और प्रिंसिपल डायगनल होता है, मेन या फिर प्रिंसिपल डायगनल इसे कहते हैं 172 को, मेन और प्रिंसिपल डायगनल। तो अब डेफिनेशन कैसे की, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी देखें बात हुई है स्क्वायर मैट्रिक्स की, मीन्स के नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या होंगे इसमें सेम होंगे, एक्सेप्ट दोज इन द मेन और प्रिंसिपल डायगनल, इज कॉल्ड अ डायगनल मैट्रिक्स। अब इसमें बात यह कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें आपके सारे जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो ज़ीरो, एक्सेप्ट जो मेन डायगनल में है वो उनमें से एटलीस्ट एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं डायगनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये देखें, यह मैट्रिक्स एक है, इसमें ऑल एंट्री ज़ीरो हैं, जो मेन डायगनल उसमें 4 और 2 हैं, तो एक नॉन ज़ीरो है यहाँ पे, तो ये डायगनल मैट्रिक्स है। इस तरीके से 1 1 0, तो ये भी इसमें नॉन ज़ीरो एंट्री है, तो ये भी बाकी जितनी एंट्रीज हैं सारी ज़ीरो हैं, तो जो बस मेन जो प्रिंसिपल डायगनल उसमें क्या है 1 1 आ रहा है, तो ये डायगनल मैट्रिक्स हो गया। सेम इसी तरह से ये है 2, फिर ऊपर भी देखें ये बस मेन प्रिंसिपल डायगनल है ये, ठीक है, ये हम इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ऊपर भी 0 0 है, नीचे भी 0 0, लेकिन जो आपके पास प्रिंसिपल डायगनल इसमें 2 नॉन ज़ीरो है, तो ये बस क्या हो जाएगा डायगनल हो जाएगा। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स, अब ये भी आपके पास ऐसा डायगनल मैट्रिक्स होता है, अब ये डायगनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जिसमें जो आपके पास मेन या प्रिंसिपल डायगनल के एलिमेंट्स हैं वो सारे सेम हो, एक जैसे हों, उसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगनल एलिमेंट्स आर सेम, मीन्स के जो मेन प्रिंसिपल डायगनल है इसके ऑल एलिमेंट सेम हो, बाकी सारे एंट्रीज क्या हो जीरो, तो उसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच ईच डायगनल एलिमेंट इज 1 आर यूनिटी इज कॉल्ड आइडेंटिटी आर यूनिट मैट्रिक्स एंड इट इज नोटेड बाई आई। अब यहाँ पे ये भी आपके पास स्केलर मैट्रिक्स ही है, लेकिन जो आपके पास मेन या प्रिंसिपल डायगनल है उसके सारे एलिमेंट 1 के इक्वल होंगे, यूनिटी के इक्वल होंगे 1 के। जैसे ये हमारे पास है ये I2 का, मतलब कि इसका ऑर्डर 2 है, 2 बाई 2 है। I3 का मतलब इसका ऑर्डर क्या है, 3 बाई 3। इसकी बात करें तो हमारे पास ये ऐसा स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास मेन या प्रिंसिपल डायगनल के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 1 है सारे, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है इसमें 0 है, तो इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। फिर उसके बाद आता है इक्वल मैट्रिक्स, तो टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द ऑर्डर, दे हैव द सेम ऑर्डर, ठीक है, उन दोनों का ऑर्डर क्या हो सेम हो, मीन्स के अगर मैट्रिक्स ए 2 बाई 2 है तो फिर बी भी क्या होगा 2 बाई 2 का होगा, और उनके जो एलिमेंट्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी क्या होने चाहिए सेम, मीन्स के पहले एलिमेंट पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के तीसरा, तीसरे का चौथा चौथे के इक्वल होना चाहिए, तो हम क्या कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। दो मैट्रिक्स को हम उस वक्त इक्वल कहते हैं जब उनका ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का सेम हो, इसके अलावा उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं मीन्स कि अगर उनकी मुताबिकत करें पहले के साथ, दूसरे के दूसरा, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा, तो ये दोनों सेम होना चाहिए। अब बात करें इन दो मैट्रिक्स की बात करें तो ए में यहाँ पे 2 है, बी में भी यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ जो ए का सेकंड एलिमेंट है वो है 2, इसको अब ऐड करें तो ये भी क्या बन जाएगा 2, तो ये दोनों ऊपर वाली रोज दोनों सेम हो गई। इसी तरीके से ये 3 है, यहाँ ये भी क्या आपके पास 3 है, बी का भी 3 है, ये बस 4 है, इसको सॉल्व करें तो ये बस क्या बन रहा है 4 बन रहा है, तो ये दोनों क्या हैं बिल्कुल सेम है, इनकी एंट्रीज भी सेम है और इनका ऑर्डर भी सेम है, ये भी 2 बाई 2 का है और ये भी, यहाँ पे ये सिंगल एलिमेंट है, 1 प्लस 1 2 होता है, 5 माइनस 1 4 होता है, तो ये सिंगल एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, तो इसका ऑर्डर भी 2 बाई 2 है, इसका ऑर्डर भी क्या है 2 बाई 2, और एंट्रीज भी क्या है बिल्कुल सेम है, तो इन्हें हम कहते हैं इक्वल मैट्रिसेस कहते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है,
इक्वल मैट्रिक्स रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो इसमें से एक्स वाई जेड और ए की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब जो यहाँ पे ये हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है और दोनों आपस में क्या है, यहाँ पे जब साइन इक्वलिटी का है तो मतलब है कि ये आपस में इक्वल है, तो हम इन्हें कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो जाएगा फर्स्ट के, तो यह जाएगा एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन नंबर वन के पास वन। तो सेकंड एलिमेंट इक्वल हो जाएगा सेकंड के, यह आ जाएगा थ्री वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस सेवन, तो यहाँ पास इक्वेशन बन गई टू। जो थर्ड एलिमेंट है वो इक्वल हो जाएगा थर्ड के, जेड माइनस वन इज इक्वल टू आ जाएगा थ्री, ये इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई थ्री। इसमें जो फोर्थ एलिमेंट है वो इक्वल हो जाएगा फोर्थ के, आ जाएगा फोर ए माइनस सिक्स इज इक्वल टू टू ए, ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर फोर। अब इनको हमने सॉल्व करके यहाँ से एक्स वाई जेड और ए की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखें ज़रा, सबसे पहले हम इक्वेशन वन को देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन वन, तो एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो यहाँ से हमारे पास जो एक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री, तो ये हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अब हम इसे पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर टू में, पुट इन इक्वेशन नंबर टू सेकंड में, क्योंकि हमें वहाँ से वाई की वैल्यू चाहिए, एक्स की हमने फाइंड कर लिया, तो यह आ जाएगा थ्री वाई और प्लस यहाँ आ जाएगा माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस सेवन। ठीक है, या एक्स की जगह मैंने एक्स की वैल्यू पुट कर दी माइनस थ्री, यहाँ से एक्स की जो वैल्यू फाइंड की है हम यहाँ पुट कर देते हैं यहाँ। ठीक है, तो यह पास आ जाएगा थ्री बाय माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस सेवन, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर देखें प्लस माइनस माइनस हो गया थ्री, माइनस एक उधर लेके जाते हैं, तो जाएगा थ्री बाय इज इक्वल टू माइनस सेवन और प्लस थ्री। ठीक है, ये ऑलरेडी माइनस में है, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो थ्री बाय इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस फोर, माइनस सेवन प्लस थ्री, तो आंसर माइनस फोर आ गया। लेकिन हमें चाहिए वाई की वैल्यू, तो वाई के साथ थ्री मल्टीप्लाई, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा बस डिवाइड, तो ये वाई की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अब हम इक्वेशन थ्री फ्रॉम इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थ्री को यूज़ करते हैं, तो जेड माइनस वन इज इक्वल टू आ जाएगा थ्री, या जेड इज इक्वल टू आ जाएगा थ्री प्लस वन विच इज इक्वल टू फोर, जस्ट हमें माइनस वन को इधर लेके आना है, तो प्लस वन हो जाएगा थ्री प्लस वन फोर, तो ये जेड की वैल्यू फोर आ गई। फ्रॉम इक्वेशन फोर, फ्रॉम इक्वेशन फोर, तो फोर इक्वेशन हमारे पास है फोर ए माइनस सिक्स इज इक्वल टू टू ए, माइनस सिक्स को इधर लेके जाते हैं, टू ए को इधर लेके आते हैं, तो यह आ जाएगा फोर ए माइनस टू ए इज इक्वल टू प्लस सिक्स, प्लस टू ए से माइनस टू ए, माइनस सिक्स से प्लस सिक्स, तो एक पास आ जाएगा टू ए इज इक्वल टू सिक्स। ठीक है, क्योंकि फोर ए में से टू ए माइनस कर, तो टू ए आता है, टू को तो डिवाइड कर देते हैं, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा सिक्स बाई टू विच इज इक्वल टू सी, तो हमने इस तरह ए बी ए एक्स वेजेड और ए की वैल्यूज फाइंड कर लें। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होता है। लेट करें हमारे पास ए जो है इक्वल है वन माइनस वन टू फोर, तो माइनस एक इसकी इक्वल आ जाएगा नेगेटिव ए, क्या आएगा हमारे पास, मीन्स कि आपने यहाँ जितनी एंट्रीज हैं उस अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, जब इसको माइनस से करेंगे तो प्लस से माइनस हो गया, इसे माइनस से करेंगे तो माइनस से क्या आ जाएगा प्लस, ये आपके पास प्लस से माइनस, ये भी प्लस से माइनस, ये आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया, मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन एक्सरसाइज नंबर 9.1 स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है ये है, राइट द फॉलोइंग मैट्रिसेस इन टेबुलर फॉर्म, तो आपने इन क्वेश्चंस को टेबुलर फॉर्म लिखा है। यहाँ पे आई जो है ये डिनोट करता है नंबर ऑफ रोज को और जे नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ए आई जे जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, हमने इसे टेबुलर फॉर्म में लिखना है। देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या आएगा इज इक्वल टू, देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज तीन और नंबर ऑफ कॉलम चार होने चाहिए, तो सबसे पहले आएगा ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए वन फोर। तो यहाँ देखें नंबर ऑफ जो बस कॉलम है वो कितने बन गए, चार बन गए, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए वन फोर। तो रोज़ तीन होने चाहिए, तो तीन रो बनाते हैं, मज़ीद दो बनाते हैं,
ये आपके पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो और फोर्थ कॉलम। इस तरीके से ए थ्री वन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ए थ्री टू आ जाएगा, ए थ्री आ जाएगा, ए थ्री फोर आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास देखें तीन रोज और चार कॉलम में हमने इसे चेंज कर दिया, तो टेबलर फॉर्म इसकी होगी। अब जो इसका बी पार्ट है उसमें आपने एक रो बनानी और तीन इसके चार इसके कॉलम बनाने हैं, ठीक है। आई यहाँ पे नोट कर रहा है रो को और जे यहाँ पे कॉलम को नोट कर रहा है, तो कॉलम चार और रो एक ही होनी चाहिए। तो इसकी टेबलर फॉर्म बनेगी बी इज इक्वल टू, चूँकि इसमें एक ही रो बनेगी तो यहाँ पर आ जाएगा ए, यहाँ बी यूज़ करते हैं, बी वन वन, बी वन टू, बी वन थ्री और बी वन फोर। तो इस तरह देखें इसका एक रो है और चार क्या हैं कॉलम है, तो इसकी टेबलर फॉर्म होगी एक रो और चार कॉलम। तीसरी जो हमारे पास इसका पार्ट है इसमें जे यहाँ डिनोट कर रोज को और के यहाँ पे कॉलम को, तो जे हमारे पास रोज तीन है, कॉलम क्या है एक ही कॉलम है। अब जो सी मैट्रिक्स है वो इक्वल आएगा, इसमें एक ही कॉलम बनाना है और तीन रोज बनानी है, ठीक है। तो इसे ऐसे लिखेंगे, ये पास कॉलम मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा पास सी वन वन, सी टू वन, सी थ्री वन, ये पास रो वन रो टू और रो थ्री, और कॉलम क्या है इसमें एक ही कॉलम है, तो हमने तीन रोज और एक कॉलम इसे चेंज कर दिया। ये पास कॉलम मैट्रिक्स है और ये पास क्या है रो मैट्रिक्स है, और चूँकि इसमें पहला जो मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, तो यह पास होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर टू है राइट ईच सम एज अ सिंगल मैट्रिक्स। तो यह पास क्वेश्चन टू में कुछ पार्ट्स गिवन है जिसमें दो या तीन मैट्रिक्स गिवन है, उनका आपस में सम फाइंड करके उन्हें सिंगल मैट्रिक्स में चेंज करना है। तो देखें एडिशन उस वक्त पॉसिबल होती है जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों के क्या होते हैं सेम होते हैं, अदरवाइज एडिशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखें दो कॉलम, दो इसमें रोज हैं, तीन कॉलम है, यहाँ भी दो रोज हैं और तीन क्या है यहाँ पे कॉलम है, तो ये पॉसिबल एडिशन। अब देखें जब ऐड करें तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होगा, ये आ जाएगा टू प्लस सिक्स, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड में ऐड होगा, ये आ जाएगा वन प्लस थ्री, थर्ड एलिमेंट थर्ड में ऐड होगा, यह जाएगा फोर प्लस ज़ीरो। इसी तरीके से जो आपके पास यहाँ सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट वो फर्स्ट में ऐड होगा, ये का थ्री और प्लस माइनस माइनस टू, ठीक है। साइन जब प्लस का लगाएंगे लेकिन माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा, यह जाएगा माइनस वन और यहाँ से आ जाएगा प्लस वन, फिर ज़ीरो प्लस ज़ीरो आ जाएगा। इस तरीके से सिक्स प्लस टू हमारे पास एट, थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर, फोर प्लस जीरो इज इक्वल टू फोर, थ्री माइनस टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा और ये भी ज़ीरो। तो ये आपका आ गया रिक्वायर्ड आंसर। इसी का सेकंड पार्ट है बहुत इजी है, इसमें भी आपने सम फाइंड करना है, ठीक है। दोनों ही रो मैट्रिसेस हैं, एक ही रो है दोनों में, तो इन्हें ऐड करते हैं फर्स्ट फर्स्ट में ऐड करते हैं जाएगा वन प्लस ज़ीरो, फिर सेकेंड सेकेंड में ऐड करते हैं जाएगा थ्री प्लस माइनस माइनस टू आ जाएगा, ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसे फाइव, फाइव प्लस वन आ जाएगा और फिर आ जाएगा सिक्स प्लस थ्री। यहाँ हमने फर्स्ट में ऐड किया है, सेकेंड सेकेंड में ऐड किया है, थर्ड थर्ड में और फोर्थ फोर्थ में ऐड कर दिया, तो जो हमारे पास लास्ट में आंसर आएगा वन प्लस जीरो इक्वल होता है वन के, थ्री माइनस टू इज इक्वल होता है वन के, फाइव प्लस वन इज इक्वल आ जाएगा सिक्स, सिक्स प्लस इक्वल हो जाएगा नाइन। तो ये आपका आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड पार्ट है, ये आपके पास दोनों कॉलम मैट्रिक्स हैं और इनका ऑर्डर सेम है, नंबर ऑफ रोज इसमें थ्री है, नंबर ऑफ कॉलम एक ही है दोनों में, तो इनकी एडिशन पॉसिबल है, इन्हें ऐड करते हैं सिंपली। उसने ऐड करना है हमने फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड करते हैं, सेकेंड सेकेंड थर्ड थर्ड में, फोर प्लस सिक्स आ जाएगा यहाँ पे, थ्री प्लस ज़ीरो आ जाएगा, माइनस वन और प्लस टू आ जाएगा, इन पर हमने ऐड कर दिया, इज इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा सिक्स प्लस फोर टेन होता है, यहाँ से थ्री प्लस ज़ीरो थ्री, टू माइनस वन वन, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर।
इसका फोर्थ पार्ट है नेक्स्ट, इसमें ये है कि सेम उसी मेथड से नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों के सेम है, इसमें थ्री रोज थ्री कॉलम, इसमें भी थ्री रोज और थ्री ही कॉलम है, तो दोनों की एडिशन पॉसिबल है। ये ऐड करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड करेंगे जाएगा टू प्लस ज़ीरो, क्योंकि आगे सारा ज़ीरो है, तो टू प्लस ज़ीरो इस तरह आ जाएगा थ्री प्लस ज़ीरो, यहाँ आ जाएगा फोर प्लस ज़ीरो, माइनस वन प्लस ज़ीरो, सिक्स प्लस ज़ीरो, टू प्लस ज़ीरो, वन प्लस ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो और थ्री प्लस ज़ीरो आ गया। तो इसको मज़ीद ऐड करते हैं, तो ज़ीरो जब ऐड करेंगे तो इन वैल्यूज में फ़र्क नहीं आएगा, रहेगा टू थ्री फोर, माइनस वन सिक्स और टू, वन ज़ीरो और थ्री, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, एक्सरसाइज 9.1, शो दैट बी वन वन माइनस ए वन वन, बी वन टू माइनस ए वन टू, बी टू वन माइनस ए टू वन और बी टू टू माइनस ए टू टू इज़ अ सोल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन एक्स प्लस ए इक्वल टू बी। तो कहता है कि आपने प्रूव ये करना है कि ये जो आपके पास इक्वेशन गिवन है, ठीक है, इसका ये सोल्यूशन है, इसका ये आंसर है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से एक्स की वैल्यू ये वाली आनी चाहिए आंसर में। ए और बी मैट्रिक्स हमें गिवन है, तो जैसे मैंने इक्वेशन पहले लिख दी है, तो यह आएगा एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए, प्लस ए उधर जाके हो जाएगा माइनस ए। अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, तो अब बी मैट्रिक्स है वो पास है बी वन वन और बी वन टू, इस तरह बी टू वन और बी टू टू, माइनस करना है इसमें मैट्रिक्स ए, तो ए हमारे पास है ए वन वन, ए वन टू, इस तरह ए टू वन और ए टू टू। अब सेम उसी मैथ से फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से माइनस सेकंड सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से, तो यह आ जाएगा ये दोनों का फर्स्ट एलिमेंट है, ये माइनस करते हैं बी वन वन माइनस ए वन वन, तो यह जाएगा बी वन टू माइनस आ जाएगा ए वन टू, सेकंड जो है वो सेकंड माइनस, थर्ड को थर्ड में से माइनस करते हैं बी टू वन माइनस ए टू वन, इसे बी टू टू माइनस ए टू टू, तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन आ गया। अब इसे कंपेयर करें जो हमारे पास यहाँ पर गिवन था, तो वो बिल्कुल और ये आंसर जो है बिल्कुल सेम आ गया। ये हमने यहाँ पे इसे प्रूव कर दिया कि इस मैट्रिक्स इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, ये जो हमने ऊपर प्रूव करना था ये आ गया, आंसर प्रूव्ड। क्वेश्चन में फोर है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशंस। तो क्वेश्चन फोर में फोर या फाइव पार्ट्स हैं, तो इसमें से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इन सब क्वेश्चन में। तो इसका पहला पार्ट है ये एक्स प्लस, अगर ये मैट्रिक्स गिवन है और ये भी सेम मैट्रिक्स है, तो जब हमने एक्स के लिए निकाली तो इस मैट्रिक्स को उधर लेके जाना है, उधर जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू फाइव वन माइनस थ्री वन, माइनस थ्री माइनस वन, टू और टू, तो ये प्लस होते जाके माइनस हो गया। अब यहाँ इसे सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि यहाँ एडिशन नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट में माइनस, सेकंड सेकंड में से, थर्ड थर्ड में से, फोर्थ फोर्थ में से माइनस करते हैं, यह आ जाएगा फाइव माइनस थ्री, इस आ जाएगा वन माइनस माइनस के हो जाएगा प्लस वन, माइनस थ्री और माइनस टू, वन और माइनस टू, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में से माइनस किया, सेकंड को सेकंड में से, थर्ड को थर्ड और फोर्थ को फोर्थ में से। अब क्योंकि ये माइनस है तो अंदर इन सब के साइन चेंज हो गए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस हो गया, तो हमारे पास एक्स इक्वल आ गया फाइव माइनस थ्री इज इक्वल टू टू, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, माइनस थ्री माइनस टू इज इक्वल टू माइनस फाइव, दोनों के सेम साइन आपस में ऐड होंगे और साइन बड़ी वैल्यू का आता है, और वन माइनस टू तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस वन, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर का सेकंड पार्ट है, ये भी सेम क्वेश्चन जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। देखिए
हमारे पास यहाँ भी एक्स स्क्वायर निकालें, लेकिन सबसे पहले हम जो आपके पास राइट साइड के मैट्रिक्स है इनको पहले ऐड करते हैं, फिर जो ये वाला मैट्रिक्स है उधर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा, चल जाएगा एक्स प्लस हमारे पास आ जाएगा माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो टू इज इक्वल टू, इनको हम ऐड कर देते हैं, चल जाएगा टू माइनस फोर प्लस माइनस माइनस, इस तरह सिक्स प्लस माइनस माइनस एट आ जाएगा, क्योंकि प्लस साइन है अंदर सारे साइन कोई भी चेंज नहीं होगा, सेम वही साइन आएंगे, ठीक है। तो आ जाएगा वन माइनस टू, इस आ जाएगा फाइव प्लस ज़ीरो। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सिल्वर करते हैं और इसको उठा के उधर ले जाते हैं, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, एक्स इजिकल टू आ जाएगा यहाँ पे टू माइनस फोर का आंसर माइनस टू, क्योंकि बड़ी वैल्यू के वाला माइनस साइन आता है, माइनस एट प्लस सिक्स, तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा माइनस टू, वन माइनस टू तो यहाँ से मिलेगा माइनस वन, फाइव प्लस जीरो तो यहाँ से मिलेगा फाइव। और इस मैट्रिक्स को जब लेके आएंगे, इस जो लेफ्ट साइड मैट्रिक्स है इधर आके माइनस हो जाएगा, जाएगा माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो और टू। तो अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, चूँकि माइनस हो रहा है तो आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जाएगा माइनस टू, माइनस माइनस प्लस वन बन जाएगा, फिर माइनस टू और माइनस ज़ीरो आ जाएगा, माइनस वन और माइनस ज़ीरो आएगा, माइनस वन और माइनस ज़ीरो, फाइव और माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट में से माइनस किया, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड में से और फोर्थ फोर्थ में माइनस किया, लेकिन चूंकि बाहर माइनस है तो अंदर सब के साइन चेंज हो गए, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ज़ीरो नॉन नेगेटिव होता है और ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास जिसका फाइनल आंसर है एक्स का, वो आएगा यहाँ से आपको मिलेगा माइनस वन, इनको सॉल्व करने से माइनस टू माइनस ज़ीरो तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस टू, माइनस वन माइनस ज़ीरो तो यहाँ से मिलेगा माइनस वन, फाइव माइनस टू इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस थ्री, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन फोर का थर्ड पार्ट है, इसमें भी आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पास लेफ्ट साइड पर ये मैट्रिक्स है, इससे हम राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो इसका प्लस साइन है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पास आ जाएगा जस्ट थ्री एक्स, थ्री एक्स इज इक्वल टू पहले राइट साइड मैट्रिक्स लिखेंगे, माइनस टू थ्री वन, माइनस वन माइनस टू और ज़ीरो, ज़ीरो वन और फाइव, और यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, ये एक पास आ जाएगा वन ज़ीरो टू, टू वन और थ्री, फोर माइनस वन और फाइव, ठीक है। ये आपके पास इधर सारी वैल्यू प्लस में उधर जाके माइनस हो गई, ये एज इट इज़ आ गई। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो थ्री एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में से माइनस, सेकंड सेकंड, थर्ड फोर, इसका माइनस कर जाना, ये जाएगा माइनस टू और माइनस वन आ जाएगा, थ्री माइनस ज़ीरो, वन माइनस टू आ जाएगा, माइनस वन माइनस टू, माइनस टू और माइनस वन, इस तरह के ज़ीरो माइनस थ्री, ज़ीरो माइनस फोर और वन माइनस माइनस प्लस वन, वन प्लस वन आएगा क्योंकि ये माइनस है, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा और यहाँ जाएगा फाइव माइनस फाइव, फाइव माइनस फाइव, तो हमारे पास जो थ्री एक्स है, थ्री एक्स विल बी इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस थ्री, थ्री और यहाँ से माइनस वन मिलेगा आपको, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस थ्री, माइनस थ्री और माइनस थ्री, ये सारे माइनस थ्री आ रहे हैं सेकंड रो में, यहाँ से मिलेगा माइनस फोर, टू और ज़ीरो। अब हमने चूँकि वैल्यू निकाली है एक्स की, तो एक्स के साथ थ्री हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आके इसके नीचे क्या होगा, डिवाइड होगा, तो यहाँ बस एक्स इजिकल टू आ जाएगा माइनस थ्री, थ्री माइनस वन, माइनस थ्री, माइनस थ्री और माइनस थ्री, माइनस फोर टू और ज़ीरो, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा थ्री, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में आपने क्या करना है, थ्री के ऊपर हर एंट्री पे हर एलिमेंट पे अलग अलग डिवाइड करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा इक्वल टू माइनस थ्री ओवर थ्री, फिर आ जाएगा थ्री ओवर थ्री, ठीक है, माइनस वन बाई थ्री आ जाएगा,
जाएगा, नीचे जाएगा माइनस थ्री ओवर थ्री, यहाँ से डिवाइड पास जाएगा माइनस थ्री ओवर थ्री, यहाँ से आएगा माइनस थ्री ओवर थ्री, माइनस फोर बाई थ्री और टू ओवर थ्री, इस तरह से ज़ीरो ओवर थ्री। ठीक है, अगर आप इसे सिंपलीफाई करेंगे तो आपका जो लास्ट में आंसर आएगा वो आएगा, इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आता है माइनस वन, यहाँ से आपको मिलेगा वन और ये आ जाएगा एज इट इज़ माइनस वन बाई थ्री। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से आपको मिलेगा माइनस वन, यहाँ से आपको मिलेगा माइनस वन, यहाँ से भी क्या मिलेगा माइनस वन, ये माइनस फोर बाई थ्री एज इट इज़ आ गया, टू बाई थ्री भी आ गया एज इट इज़, और ज़ीरो ओवर एनी नंबर इक्वल टू क्या होता है ज़ीरो, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। थ्री और थ्री डिवाइड हो रहे हैं तो इसलिए माइनस वन आ गया, ये भी माइनस वन, यहाँ ये प्लस वन आ जाएगा, माइनस वन माइनस वन माइनस वन, माइनस फोर बाई थ्री, टू बाई थ्री और ये ज़ीरो, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन फोर का फोर्थ पार्ट है, एक्स प्लस टू आई इज इक्वल टू थ्री माइनस वन वन टू। अब देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आई यहाँ डिनोट करा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया था कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो बस ऐसा स्केलर मैट्रिक्स होता है जिसके जो मेन इंट्रीज हैं डायगनल की वो क्या होती है वन वन, बाकी सारी क्या होती हैं ज़ीरो। तो अब ऑर्डर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आई टू और आई थ्री, ये टू बाई टू है, बस क्या है थ्री बाई थ्री है, तो चूंकि यहाँ पे जो राइट साइड है यहाँ पे टू बाई टू का गिवन है मैट्रिक्स, तो हम आई यहाँ रिप्लेस करेंगे टू बाई टू का रिप्लेस करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास जो पहला स्टेप है इसका, ये जाएगा एक्स प्लस टू इंटू जो आई हमारे पास, ये जाएगा वन ज़ीरो ज़ीरो वन इज इक्वल टू आई को हमने टू बाई टू के मैट्रिक्स से रिप्लेस कर दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, इस तरफ आ जाएगा थ्री माइनस वन वन और टू। स्टेप वन में हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिप्लेस किया यहाँ पे टू बाई टू का, स्टेप टू में हम क्या करेंगे इसको टू को अंदर दोनों से तीनों चारों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे टू वन से टू, ज़ीरो से करेंगे तो ज़ीरो आएगा, यहाँ पे ज़ीरो से करेंगे ज़ीरो आएगा, टू वन से टू इक्वल टू आ जाएगा थ्री माइनस वन वन और टू, क्योंकि हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो इस मैट्रिक्स को उस तरफ लेके जाते हैं माइनस हो जाएगा, यहाँ जाएगा x इज इक्वल टू थ्री माइनस वन वन टू माइनस टू ज़ीरो ज़ीरो और टू। ठीक है, क्योंकि ये इधर प्लस था तो इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, अब इसे माइनस करते हैं, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे थ्री माइनस टू, फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट में माइनस, सेकेंड सेकेंड में से माइनस वन माइनस ज़ीरो, वन माइनस ज़ीरो, टू माइनस टू, तो हमने इसे माइनस कर दिया। अब थ्री माइनस टू का आंसर वन होता है, माइनस वन माइनस ज़ीरो का आंसर क्या होता है माइनस वन ही आएगा, वन माइनस ज़ीरो इक्वल टू वन होता है, टू माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, तो ये आपके पास इसका क्या आ गया रिक्वायर्ड आंसर आ गया।